हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण कौरव आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें अपना सेल्फी वीडियो बनाना है, किस तरीके से डेमो देना है, किस तरीके से फाइव लेसन देना है ताकि वो एक ही बार में क्लियर हो जाए। मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों, मेरा पहली बार में ही मेरा डेमो क्लियर हो गया था तथा पहली बार में ही मेरे सारे लेसन क्लियर हो गए थे। तो अनअकैडमी ने कुछ अपने नियम बदल दिए हैं जून 2020 से, और अगस्त में फिर से नियम बदला गए हैं सैलरी को लेके। तो हम बात करते हैं डेमो वीडियो की। तो 2020 जून के बाद आपका डेमो 60 सेकंड का होगा, जो सेल्फी डेमो होगा, जिसे सेल्फी वीडियो भी कह सकते हैं आप, वो 60 सेकंड का होगा। इससे पहले 30 सेकंड का था। उस 60 सेकंड में आपको मोबाइल को लैंडस्केप में पकड़ना है, हालांकि वो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट करने लगा है। अब जैसे आपका एडजस्ट होगा आप समझ जाएंगे कैसे पकड़ना है। और आपको 60 सेकंड तक कंटिन्यू बोलना है अपने बारे में। बोलना क्या है? आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, 10वीं 12वीं की और ग्रेजुएशन की, जो भी आपने हाईएस्ट की है वो क्वालिफिकेशन, और अनएकेडमी में क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ये आपको इतना बोलना है। इतने आपके 60 सेकंड के अंदर बोलना है। और बोलने के बाद वीडियो को सुने, अगर आपको लगता है कि आपके इंट्रो वीडियो में कुछ कमी है, ये सेल्फी वीडियो बोलते हैं, उसमें अगर कुछ कमी है तो आप दोबारा से वीडियो बनाएं, उसे डिलीट कर दोबारा से बनाएं, रीटेक करें, उसमें रीटेक का ऑप्शन रहता है। जब तक करें जब तक कि आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है, कि उसमें कोई भी चूक नहीं है, आपके फेस इंप्रेशन सही है, आपके बोलने की स्पीड सही है, आपको अटक नहीं रहे, हेजिटेशन नहीं है, तब आप समझें कि हाँ आपका वीडियो परफेक्ट है और फिर उसे सबमिट करें। और ये मैं बता देता हूँ कितने समय का होगा, तो वो होगा आपके 60 सेकंड का, ठीक है दोस्त। अब हम अगले से, अब लेसन, अब ये तो आपने वीडियो बना लिया इंट्रो वीडियो, अब आती है लेसन की बारी। तो लेसन किस पर बनाएं, पहले चीज़। तो दोस्तों, लेसन आप सबसे पहले उस चीज़ पे बनाएं जिसे आप परफेक्ट हैं। भले आपको और कुछ पढ़ाना हो, लेकिन आप हमेशा उन्हीं पे बनाएं जिसमें आप परफेक्ट हैं और बहुत अच्छे से बना बता सकते हैं। और वीडियो जब बनाएं तो कम से कम देखें कि आपके A4 साइज़ का पेपर हो, उस A4 साइज़ के पेपर में आप लिखें, और चार या चार पेज लिखे, मैक्सिमम चार पेज में आपका कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम चार पेज मैक्सिमम। और 3 मिनट का आपको टाइम रहेगा, 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यह तो अब ऐसा नहीं कि चार पेज बार बार के लिखें, थोड़ा थोड़ा रखें। आपको ऐसा वो तो आपको समझ में आ जाएगा, कैसे जाएगा वही बताऊंगा। 3 या 4 पेज लिखें और उसे बनाएं, नाइट के टाइम में बनाएं, एक आध बार दिन में बना कर देखें, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं पहली बार बना, पहली बार बिल्कुल अपलोड ना करें, उसे बना कर देखें, और आप उसे देखें कि आपने उसे 3 मिनट में पूरा कर लिया है नहीं किया। उसे आप सुने, और उसे सुनने के बाद ये देखें कि आपने इसमें ऐसा तो नहीं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है वो नहीं बताई हो। तो आप सबसे पहले उसको देखें कि आपने क्या नहीं बताया। इस तरीके से आप 2 या 3 बार 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 रिवाइज करें लेसन को, समझ में आ जाएगा कि हाँ आपका ये यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ मिस्टेक नहीं हो रही है। तो ये अगर आपका परफेक्ट आए तब आप उसको अपलोड करें। अब कैसे बनाएं, तो मैंने आपको बता दिया कि 3 या 4 पेज को आप, अब सबसे बेहतर बताऊँ तो सबसे बेहतर है आप A4 साइज़ का पेपर लें, ब्लैंक पेपर लें, उसमें अपने हाथ से लिखें, किसी भी चीज़ पे बना लें जो आप सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप उसमें A4 साइज़ में लिख लें 3 या 4 पेज में, और उसकी आप फ़ोटो खींचें, आपके साधारण मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया आपने, अब उसे आप 16:9 रेशो का लेके आना दोस्तों, नहीं तो आपका वीडियो क्लियर नहीं होगा, आपको डेमो क्लियर नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये महत्वपूर्ण है, 16:9, 16:9 का रेशो लेके आना है। अब वो रेशो कैसे लाया जाए, उसके लिए सबसे अच्छी विधि है, मोबाइल में फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें। अगर आपके मोबाइल में क्रॉप में 16:9 का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप पिक आर्ट आता है, पिक आर्ट,
पिकआर्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें आप उस इमेज को एडिट कर लें। एडिट करने के बाद आप उसे क्रॉप करेंगे तो 16:9 का रेशो आ जाएगा, और फिर आप उस इमेज को आपके किसी भी उसमें स्कैन कर लें। स्कैनर बाय स्कैनर होता है, कैम स्कैनर होता है, कैम स्कैनर तो बंद कर दिया है। उसके बाद एडोब स्कैनर, बहुत से स्कैनर ऐप हैं, उनसे स्कैन कर लें, कैसे भी स्कैन कर लें। आपको वहाँ एक ऑप्शन, जब आप लेसन बनाने लगेंगे डेमो लेसन, तो आपके पास वहाँ ऑप्शन रहता है, उसे क्रॉप करने का भी रहता है, उसे ब्राइटनेस बढ़ाने का भी रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लैंक पेपर में लैंडस्केप में आपको लिखना है, 16:9 का रेशो रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इन्हें बनाने के बाद, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब आप फाइनली सबमिट करने लगें तो आप वीडियो हमेशा नाइट में बनाएं। और अगर आपने पहली बार पढ़ाना चाह रहे हैं, पहली बार आप वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ अकेले में जाके बनाएं। इससे आपको हेजिटेशन नहीं होगी, आपको शर्म महसूस नहीं होगी, तो आप बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं वीडियो को। और अभी भी कह रहा हूँ, एक हेडफोन के यूज़ करें, ईयरफोन जो होते हैं उनके यूज़ करें। रात में बनाने का फ़ायदा यह है कि आपको बाहर की आवाज़ वो नहीं आएगी, बाहर की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आए, खुले रूम में ना बनाए ताकि साउंड गूंजे ना, एयरफोन का उपयोग करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखें, मतलब क्या है आपको याद रखना है, यही आपको एयरफोन का यूज़ करना है पहली चीज़, आपको नाइट में वीडियो बनाना है दूसरी चीज़, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए, कूलर पंखा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये बंद रहें। उसके बाद आपको 3 मिनट से पहले वीडियो कंप्लीट करना है, और जब आप वीडियो कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आप एक बार श्योर हो जाएं कि आपके वीडियो एकदम परफेक्ट बना हुआ है, और आप वीडियो को उसमें अपलोड कर दें। इसके बाद अगले 5 लेसन कैसे बनाना है, इसके लिए अगले वीडियो आएगा। ओके, थैंक यू। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो शेयर जरूर करें। गौरव शिक्षा में आपका स्वागत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।